और मेरे प्रेमियों, प्राप्ति के बिना इस जीव को होगा क्या? देखने से हम बाजार में मिठाई की दुकान देख लें, पर क्या पेट भर गया हमारा? देखने से पेट नहीं भरता है, प्राप्ति से भरता है। अगर योग के अंदर में मैं ऐसे कहा करता हूं, रिजर्व बैंक का मैं ध्यान कर लूं, रिजर्व बैंक का कि वो आश्रम बन रहा है, उसमें सोने के कलश लग रहे हैं, तो मैं क्यों ऐसा करूंगा ये उपद्रवबाजी? उन सोने के कलशों को लो, बैंक का ध्यान करूंगा। बोले दो ट्रक सोना मैंने भर लिया, लदान कर दिया, ड्राइवर से कह दिया चल सिद्धार्थ आश्रम ले चल, मैंने उतार दिया, सुनारों से कह दिया कलश बना दे, बन गए, आंख खुली तो कुछ नहीं होता। हरिओम तत्सत। योग से देखा जा सकता है, प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर योग के द्वारा प्राप्ति हो मेरे प्रेमियों, तो फिर तो हमें और काम करने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों यज्ञ करे, क्यों दान करे, क्यों सत्संग में आए, क्यों और काम करे? योग करके भगवान को प्राप्त हो गया, पर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, 100% नहीं होता, 3 बार बड़ा नहीं होता। क्यों? कि कलयुग का यह सिद्धांत है ही नहीं योग, बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, अनेकानेक कहते हैं, सोहम, मेरे प्रेमी बड़ी हंसी आती, जीव हो कि इस समाना, क्या ये जीव ईश्वर हो सकता है कभी? रुद्रोश्मि ऐसा कहते, अश्मि नहीं। अरे तुम्हारे अंदर ब्रह्म हो सकता है, तुम ब्रह्म नहीं हो सकते। तुम हाड़ मांस मलमूत्र के शरीर लेकर के ब्रह्म नहीं हो सकते। और मान लो आप हो भी गए जी ब्रह्म, मैं हो गया, मैं ब्रह्मोष्मी में ब्रह्म हो गया, तो फिर मैं ये प्रश्न करता हूँ, वो ब्रह्म हो गया तो ये कौन है और फिर बैठे क्यों? और सभी ब्रह्म हो गए तो क्या सभी ब्रह्मा हो गए क्या? ब्रह्म ब्रह्म तो एक ही है, अनेक हो ही नहीं सकते। इसलिए ये मनुष्य मनुष्य ही है, जीव जीव ही रहेगा, परमात्मा परमात्मा ही रहेगा, माया माया ही रहेगी। ये विशिष्टा द्वैत, अद्वैत से गुजारा नहीं हो पाता, द्वैता द्वैत से गुजारा नहीं हो सकता, विशिष्टा द्वैत से ही होगा। और विशिष्टा द्वैत का प्रतिपादन हर संतों ने किया है, स्वीकार किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लखन सिय सोहि कैसे, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। ये विशिष्टा द्वैत, जीव भी है, ब्रह्म भी है और माया है, तीनों, ये तीनों मिल नहीं सकते। हमारे विद्वज्जन बहुत सी सभाओं के अंदर में शिक्षा देते हैं कि सोने को अंगूठियां बनाई, सोना गलाकर हमने डेली बना ली, ऐसे ही जीव है। मेरे प्रेमियों, ये तो धातु है, परंतु परमात्मा को क्या धातु मान लिया है उन संतों ने? जो धातु को गला दिया जाए, क्या तरल पदार्थ है वो? वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो चैतन्य है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है, वो साकार है। अगर किसी ने ये उदाहरण क्यों नहीं देता कि बेटे बाप को और पत्नी को तीनों को मिलाकर एक कर दूंगा, ऐसा क्यों नहीं कहा जाता है? क्या तीनों मिलकर के एक रस हो सकते हैं, एक डोर में हो चल सकते हैं, फिर क्या तीनों मिलकर के एक बन जाओगे? कहीं ऐसा है परिवार, बाप बेटा दोनों एक बन जाए मिलकर के? एक हो सकते हैं, पर उनका मेल करके दोनों को एक पुतला बना दिया, ऐसा हुआ है कि कहीं? मैं ये कहता हूं कि क्या वृक्ष की डाली को तोड़ करके क्या उसको जो है तुम डाली में वृक्ष में मिला सकते हो, कलम कर सकते हो, वृक्ष के साथ में जोड़ सकते हो, दास बना सकते हो, उसमें मिला नहीं सकते? फिर ऐसे योगों की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। धर्म एको ही निश्चल है। विद्वानों से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं सभा के अंदर में पुकार कर कि धर्म को दूसरा मुझे कोई विद्वान साबित कर दे। धर्म एको ही निश्चल, धर्म का बंटवारा नहीं हुआ, धर्म अकाट्य है, धर्म छेदा नहीं जा सकता। तो आत्मा धर्म, आत्मा ही जब छेदी नहीं जा सकती तो धर्म का छेदन कौन करे? नैनम छिंदंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेश यंत्यापो न शोषयति मारुता। उसको पैदा ही नहीं हुआ आत्मा को छेदन भेदन करने वाला। और आत्मा सैव धर्म, आत्मा ही तो परमात्मा है। ओ परमात्मा जब एक है तो धर्म अनेक कैसे होंगे? मुझे विचार करके विद्वान जवाब दे। अगर मुझसे जवाब पूछना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं कि जगह जगह पर लिखा है यतो धर्मस ततो जयः, एक वचन। जब जब होए धर्म की हानि, एक वचन।
यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। यदा यदाई धर्मस्य एक वचन, कहीं बहुवचन का प्रयोग शास्त्र में आया हो, वेद में आया हो, पुराण में आया हो या अनेक अनेक ग्रंथों में आया हो, तो इस शरीर को, इस दास को बताएं आकर के विद्वान जन, अब ये फलां जगह ऐसा आया है। धर्मो धर्मेण एक वचन, हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा एक वचन, तृतीय विभक्ति का प्रथम वचन एक वचन, रामे रामो रामा रामम रामो रामान रामेण, अर्थात धर्म धर्मो धर्म धर्मम धर्मो धर्मान धर्मेण, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, बहुवचन नहीं है। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जयः एक वचन। भगवान श्री मुख से कह रहे यदा यदाई धर्मस्य सप्तम विभक्ति का एक वचन, धर्म का, क्यों काके री रारे री षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का वचन नहीं। धर्म की जब जब हानि होती है, काके की रारे री षष्ठी, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया धर्मस्य, जब धर्म की हानि होती है, धर्मों की नहीं लिखा। हर शास्त्र ने एक वचन धर्म का प्रयोग किया है, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि बहुवचन धर्म अनन्य धर्म कहां से पैदा हो गए? धर्म एको ही निश्चल है, धर्म एक ही है, और वो धर्म है परमात्मा की प्राप्ति। ये मानव का धर्म है, आत्मा का धर्म है, परमात्मा का आदेश है। और इसके अलावा बताइए, वहां ये मैं मान सकता हूं कि मजहब हो सकते हैं, मजहब हो सकते, अनेकानेक धर्म नहीं हो सकते, वो मत हो सकते हैं, पथ हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं। हर जगह धर्म को नहीं लिखा, कबीर पंथी पंथ नाम है मार्ग का, कबीर दास ने जो मार्ग देखा है मेरे भाइयों, वो बता रहा हूं, कबीर दास जी ने ये कहा है, कबीर पंथी दादू पंथी पंथ है सभी, है मार्ग सनातन धर्म मार्ग, मार्ग नाम भी पंथ का ही है। पंथ हो सकते हैं, परंतु वो पंथ कुपंथ हैं जो स्वयंभू बन रहे हैं, क्योंकि ये तो धर्म नहीं रहा मेरे प्रेमियों, राक्षस धर्म हो गया फिर तो। कि रावण ने कहा ब्रह्मोस्मि रुद्रोस्मि और नारायणोस्मि, मैं नारायण हूं मेरी पूजा करो, हिरण्यकश्यप ने भी प्रह्लाद से यही कहा कि मैं नारायण हूं मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मेरी वंदना करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। अरे भले आदमी तेरी मोक्ष हो जाए यही सोच ले, तू और को क्या दे देगा, तेरे पास है ही नहीं। अर्थात अनेकानेक धर्म भ्रांतियां हो रही हैं, योगों की क्लासें लगाई जा रही हैं और योग सिखाए जा रहे हैं। मेरे प्रेमियों, अगर आपके पास में 300 वर्ष की उम्र हो तो योग जरूर करिए, और सतयोग हो तो जरूर करिए, द्वापर योग तो जरूर करिए, त्रेता युग है तो जरूर करिए। कलयुग में तो ये नहीं चलेगा, जो सिक्का बद्ध है, जो सिक्का चल ही नहीं रहा, उसको कैसे चलाओगे मेरे भाइयों? चाहे तुम्हारी मोहर है पर मोहर का प्रचलन नहीं, मोहर लेकर मार्केट में सब्जी लेने जाएं तो कहते बाबा ये कहीं और जगह ले जाओ, हम तो कीमत का ही पता नहीं है। बोलो कीमत हम बताते हैं 6 मासी है, इसलिए 2400 रुपए की है। तो बोलो बाबा 2400 रुपए का क्या लोगे? बोलो आधा किलो आलू। बोलो 2 रुपए का नोट हो तो दे जा, नहीं जा बाबा तेरे, और या मोहर को डाल जा तो एक आधा किलो आलू ले जा, ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए इसका प्रचलन है ही नहीं मेरे प्रेमी। जब प्रचलन नहीं और बिना प्रचलन की चीज चलाएंगे तो यह गलत बात है, खोटा सिक्का। अरे मैं कहा करता हूं, सब प्रेमी जन यहां बैठे सुनते रहते हैं मेरी बातों को और कहते हैं बाबा पुनः पुनः क्या करूं, पुनः पुनः कहना पड़ता है। 1000 का नोट 76 तक खूब चला और गवर्नर के साइन उसमें आज भी मौजूद है, लिखा है मैं धारक को वचन देता हूं कि ये 1000 रुपए अदा करूंगा। आज मैं 1000 रुपए गवर्नमेंट में ले जाऊं क्या मुझे मिल जाएंगे? अरे आप लोगों के लिए महात्माओं में 1000 का नोट देकर के 100 रुपए मांगू, आप दे दोगे मुझे 1000 के नोट के 100 रुपए दे दोगे? मना कर रहे हैं महात्मा लोग, जब गृहस्थी क्या दे देंगे, जब महात्मा को महात्मा ही मना कर रहा है, कहता नहीं दे सकते। तो 1000 का नोट का अगर मैं मान लो 1 रुपया चाहूंगी, 1 रुपया दे दो हमको, तो फिर भी नहीं। हद तुम्हारी महात्मा, तुम्हारे भेष का मुझे फायदा क्या मिला, जो मेरी कह रहे मैं 1 रुपया भी नहीं देंगे 1000 के नोट का, क्यों नहीं? इसलिए सरकार ने चैलेंज कर दिया कि 1000 का नोट बंद कर दिया गया है, अर्थात आज के बाद इसका प्रचलन खत्म कर दिया गया है अमुक अमुक तारीखों से।
गजट में निकाल दिया, अखबार में निकाल दिया, टेलीविजन पर दे दिया, जगह जगह हल्ला गुल्ला करा दिया, ढोल धमाके से आवाज लगवा दी, 1000 का नोट बंद। मेरे प्रेमियों, कलयुग के पदार्पण होते ही ये योग ध्यान बंद हो गए। और नारद संहिता में नारद जी महाराज कहते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। अरे जीव, अब तेरी गति और जगह नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बोलो कैसे होगी? बोलो हरेर नाम, हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, गोविंद गोविंद बोल। ऐसा बोलेगा तो तेरी गति हो सकती है, बाकी और जगह नहीं होती। नान्यथा शरण गति, और तेरी गति नान्यथा है ही नहीं और जगह, मना ही कर दिया योगों को। और योग की प्रथम कृष्ण से हाई नहीं करी अर्जुन ने, इसलिए योगों के द्वारा भगवान की प्राप्ति का साधन बनाया जा रहा है। उन प्रेमियों से मैं प्रार्थना करूंगा, योगी जनों से, कि स्वयं भगवान की प्राप्ति कर लें, समाज के अंदर तो वो नाम का ही प्रचार करें। ऐसी मेरी प्रार्थना कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि कलयुग की मांग है, इसलिए कर रहा हूं। कलयुग में खोटा सिक्का नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? जब समाज नहीं चला रहा तो मैं कैसे करूं? और हर जगह यही कहा उन्होंने, भगवान कृष्ण भी कहते हैं मद भक्त्या, तू मेरी भक्ति कर, मेरा मामनुस्मरण, मेरा नाम का स्मरण कर। अब मैं क्या करूं? जब भगवान जी ने सिक्का बंद कर दिया, योगों का सिक्का बंद हो गया, अब मैं कैसे करूं बताइए? तो मैं यही कहूंगा कि मेरे प्रेमियों, योग से भगवान की प्राप्ति इस युग में नहीं है। अनेकानेक योगों का भ्रांतियां हो गई, अनेकानेक प्रकार के गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम मेरा स्मरण करो। अरे भले आदमी, तू हाड मांस मलमूत्र का है, तू मोक्ष देने का अधिकारी हो ही नहीं सकता। जब शिव जी मोक्ष नहीं दे सकते, विष्णु जी मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष का अधिकार उस परमात्मा श्रीमन नारायण को ही है। उसके 24 अवतार हैं, उनको ही है जो नारायण के स्वरूप है, और को है ही नहीं। भगवान राम जी मोक्ष दे सकते हैं, भगवान कृष्ण जी मोक्ष दे सकते हैं, भगवान ब्रह्मा जी नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं तुझे संतान फंतान चाहिए तो ले ले हमसे। शिव जी कहते हैं तुझे क्या वरदान चाहिए ले ले हमसे। विष्णु जी कहते हैं तुझे क्या धन दौलत चाहिए ले ले हमसे, लक्ष्मी के पति हैं हम, बाकी और हम नहीं दे सकते। अरे वो तीनों ही मना कर रहे हैं कि हम नहीं दे सकते मोक्ष। भले आदमी, तू मानव होकर के मोक्ष कैसे दे देगा? दे नहीं सकता, दिला सकता है, ऐसा जायज है कि मोक्ष का मार्ग मैं तुम्हें दे दूंगा। यहां तक तो सत्य है कि संत लोग मोक्ष का मार्ग देते ही चले आए, धर्म का मार्ग देते ही चले आए, पर वो कहते हैं मैं तुझे दे दूंगा तो बिल्कुल फ्रॉड होता है, झूठी बात है, सच्ची है ही नहीं। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो ढाई घड़ी में भगवान जी के दर्शन करा देते हैं, ढाई मिनट में करा देते हैं, ढाई घड़ी में। अरे मेरे प्रेमियों, ढाई घड़ी में भगवान जी के दर्शन हो जाए तो राजा जनक जैसे और जैसे विद्वान सप्तऋषि वो 1000 वर्ष तपस्या क्यों करते? पागल थे क्या वो? इसलिए वो भी है, वो प्रपंच है। समय की बर्बादी मत करना मेरे प्रेमियों, बिल्कुल हल्ला करके कह रहा हूं। इनमें समय की बर्बादी है, प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत से संस्थाएं अनेकानेक प्रकार के नामों का उच्चारण करती हैं, परंतु अगर ये कह दिया निर्भव निर्जोनी, पांच नाम दे देते बहुत से, वो निर्भव है, निर्जोनी है, अकाल मूर्त है, सैवम प्रकाशम, सब में प्रकाश है। पर मेरे प्रेमियों, वो तो लड्डू का केवल गुणगान बखान किया, गोल गोल होता है परिचय पत्र है, तो उसमें दाने होते हैं, चीनी खूब डाली जाती है और खाने में मीठे लगते, पर है क्या ये? किसी ने बताया है, वो है क्या जिसको खाने से पेट भर जाएगा? सैवम, सबके अंदर प्रकाशमान तो है पर है क्या? वो निर्जोनी तो है पर निर्जोनी है कौन? वो निर्भव है, भव सागर में नहीं डूबता पर है कौन? वो निर्विकार है, उसमें विकार नहीं है पर है कौन? किसी ने बताया इस बात को आज तक? अब वो है कौन? ये तो परिचय पत्र दिया है कि ये परिचय है फला मिनिस्टर साहब का, तुम मिल लेना। परिचय दे दिया और उसमें दो लाइन लिख दी जाए कि फला मिनिस्टर साहब हमारा आदमी आ रहा है, अर्थात या IAS साहब फला आदमी आ रहा है, हमारा अमुक काम कर देना भाई, तुरंत कर देगा, तुरंत कर देगा, अगर थोड़ी सी जान पहचान है तो मना नहीं करेगा। परंतु परिचय पत्र से तो गुजारा नहीं है,
तो नामदानों में परिचय पत्र दे देते हैं और कहते हैं नामदान देने दिया परिचय। कितनी गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात तो नहीं है, बुरी बात कि वो एक परिचय बता दिया और कह दिया नाम दे दिया। माइकों पर पुकार पुकार के नामदान हो जाते हैं, जबकि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, बाबा नानक देव जी लिखते हैं कि नारायण नरपति नमस्कारे, ऐसे गुरु को बलबल जाइए जो आप मुकत मोहितारे। आगे लिखते हैं, जगदीश्वर घट घट पूर रहे मेरे जीवन प्राण, भव बंधन मेरे कटे कब जो मंत्र दियो गुरु कान। ये 1362 पेज पर आप पढ़ करके देखिए, एक श्लोक से 5 श्लोक तक उन्होंने बाबा ने फरमान किया है गुरु ग्रंथ साहिब मूल प्रति के अंदर, पेज नंबर 1362। पर आप लोग पढ़ के देखें कि ये मैं बोल रहा हूं, ये बनाकर बोल रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु ने फरमान किया है कि जब गुरु महाराज ने मुझे नाम दान कान में दिया है तो मेरा भव बंधन उसी दिन मिट गए, मुझे चिंता ही नहीं रह गई, मुझे कभी दुखी नहीं रहा, मिट गया। जो माइकों पर नामदान होता है, माइकों पर सत्संग होते हैं, कथा होती है, हर जगह का प्रमाण। जैसे पुरानी कहावत भी है, हमारे लक्ष्मी चंद शर्मा जी बैठे हुए, लक्ष्मी राम जी, इनसे ये भी कहते हैं कभी कभी कहावत में, अरे क्या कान में गुरु चेला वाली बात हो रही है भाई, क्या कान में गुरु मंत्र दे गया। अरे हमारी कहावत भी कान में गुरु मंत्र देने की है, जो पुराने जमाने से कहते आ रहे हैं, अब कान में गुरु मंत्र ले रहा है क्या? तो कान का प्रमाण, अंजना जी को नामदान दिया गया तो कान में ही दिया गया, जिसके हनुमान जी करण के द्वारा हुए। कान का प्रमाण हमारा पुराना इतिहास कहता ही चला आ रहा है, और उसको मेट करके मायकों पर कर दिया, इसको गीत गा दिया, और नहीं तो गुप्त कहा गया इसको। गुप्त का मतलब है उस जीव की आत्मा से ही कहा जाए एकांत, ये है। ऐसे ऐसी भ्रांतियां हमारे समाज में चल गई हैं मेरे प्रेमियों। अगर कोई बैठे हो और दुख मान रहे हो तो खूब माने, और लाख लाख बार माने बाबा जी बुरा लगे तो फिर मत बुलाना। पर कहूंगा तो सच मेरे प्रेमियों, अगर सच कड़वी लगती है तो कोई बात नहीं, अब बाबा जी सच्चाई बोलेंगे। वो कलयुग के नहीं रह गए धर्म, कलयुग केवल नाम अधारा रह गया है, हरेर नाम केवलम रह गया है, कलौ केवल कीर्तनाथ। कलयुग में केवल भगवान की प्राप्ति कीर्तन करने से ही होती है। जैसे मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बार चंडीगढ़ में आया तो हमारे जो है हरे राम हरे कृष्ण वाले नृत्य कर रहे, तो कई आदमियों ने मेरे सामने कहा, उनको पता नहीं बेचारों को ये सुन रहा है, बोलो कैसे मतवारे नाच रहे हैं कूद रहे हैं दुनिया का माल खाकर। उन बेचारों को क्या पता कलौ केवल कीर्तनाथ, कीर्तन करने में भगवान जी साकार हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया मन बुद्धि सब उसमें लग जाता है नृत्य करने से। बहुत से धर्म चल रहे हैं निराकार, साकार का बड़ा झगड़ा चल रहा है आज। बहुत से विद्वान प्रेमी कहते हैं कि वो परमात्मा निराकार है, यज्ञ विष्णु, यज्ञ के द्वारा ही वो यज्ञ में ही भगवान है। पर मेरे प्रेमी शायद वो विद्वान जन भूल कर रहे होंगे, शायद मैं कहता हूं मैं भूल कर रहा हूं, पर वो भूल कर रहे हैं। वेद कहता है कि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः स्थानि धर्माणि प्रसमान्याः सन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अर्थात वो भगवान को उस परमात्मा के लिए यज्ञ के द्वारा यजन करे, तो यज्ञ तो साधन है नहीं वो भगवान। अरे सड़क चंडीगढ़ नहीं हो सकती, सड़क तो चंडीगढ़ आने का साधन है, सड़क कोई चंडीगढ़ बना दे तो कैसा होगा जी, बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए यज्ञे न यज्ञमय जंत देवा, उस देव के लिए यज्ञे न यज्ञमय यज्ञ के द्वारा तू यजन कर, वो प्रसन्न होंगे। भगवान जी भी कहते हैं, कृष्ण जी यज्ञ कर्म समुद भवा, अर्जुन तू यज्ञ अवश्य करना, क्योंकि यज्ञ के द्वारा प्रदूषण मिटता है, इंद्र देवता प्रसन्न होता है, पर्जन्यो धन संभव, आकाश में बादल होते हैं, वर्षा होती है, अन्न होता है, अन्न से हमारा अन्न ही प्राणा। यज्ञ तो कहा पर यह नहीं कहा कि मैं यज्ञ हूं, यज्ञ के द्वारा मैं प्राप्त होता हूं, यज्ञ के यजन करने से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यज्ञ और प्राप्त करने वाली वस्तु अलग अलग हो गई। वो कहते हैं कि भगवान मूर्तिमान नहीं है, बहुत से प्रेमियों का मानना है,
बहुत से धार्मिक प्रेमियों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि वो मूर्तिमान नहीं है। मेरे प्रेमियों, वैदिक धर्म है, वेद हमारा धर्म है, वेद की ऋचाएं हमारी मान्यता प्रदान हमको करती हैं, और वेद के चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, चारों ही वेदों के पुरुषोक्त को विद्वान लोग ध्यान से पढ़े। पुरुषोक्त चारों वेदों में पुरुषोक्त मौजूद है, और पुरुषोक्त का नाम कहते हैं, पुरुषोक्त नाम के अध्याय हैं, उनको आप पढ़ें। चारों वेदों में भगवान की साकार प्रार्थना की है वेदों में। अगर ये कह दें यजुर्वेद को आप ले लें, चंद्रमा मनसो जातक चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। इस ऋचा का अर्थ होता है कि वो परम ब्रह्म परमात्मा श्रीहरि श्रीमन्नारायण के मन के द्वारा चंद्रमा पैदा हुआ। तो कागज कलम ले लीजिए विद्वान जन, और कागज कलम लेकर के पहले तो हार्ट बना लीजिए। क्यों हार्ट बना था, आजकल आसान है पेंटों में ना हार्ट बने देखे, और तीर लगा हुआ देखा है पेंटों पर, तो हार्ट बना लीजिए पहले तो कागज कलम से। चंद्रमा मनसो, उसे चंद्रमा को निकाल दीजिए, चित्रकार कोई है तो। चंद्रमा मनसो जातक सक्षो हो सूर्यो अजायत, आंखों के द्वारा सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात आंखें बना लीजिए, हृदय बना लिया, आंख बना लिया। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्रात वायुश्चः, फिर कान बना लीजिए। प्राणश्च मुखा, फिर मुख बना लीजिए। अग्निर्जायत, मुख के द्वारा अग्नि जायत। बहुत से विद्वानों ने मुझसे कहा कि मुख रूपी अग्नि है। मैं उन विद्वानों से प्रार्थना करूंगा कि यहां अपादान शब्द का प्रयोग किया गया है मुखात, और पंचम विभक्ति का प्रयोग है, और पंचम विभक्ति अपादान कहलाई जाती है। एक से दूसरे का जो अलग होता है वहां अपादान शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात पलवा पतंती ही, वृक्षे पल्वे पत्ते गिर गए, धावन अस्वाद मानवा पतंती, दौड़ते हुए घोड़े से मानव गिर गया, यानी एक दूसरे से अलग जाक होता है, वहां अपादान शब्द का प्रयोग ग्रंथ करता है। अपादान है पंचम विभक्ति मुखात, मुख के, मुख से अग्निर्जायतः, मुख के द्वारा अग्नि अलग हो गई, यानी एक दूसरे का अपादान शब्द का प्रयोग किया है वेद ने। और वो मुख रूपी अग्नि कहे तो मैं कहूंगा वो विद्वान नहीं है, वो भ्रांति फैला रहे हैं समाज के अंदर। मुखात अग्निर्जायतः, अर्थात उसका साकार रूप का वर्णन किया जा रहा है कि उसके हृदय भी है, उसके कान भी है, उसके आंख भी है। और फिर पुरुषोक्त में देखिए, सहस्रार्क सहस्र शीर्खा पुरुख, पुरुख कहा उसके लिए, उसके लिए निराकार नहीं कहा, पुरुख सब कहा। सहस्रपात स भूमि क्वंग सर्वतस् प्रतिवाच्य तिष्ठदशांगुलम्मा, फिर कहता है वेद, पुरुख ए वेद अग्वं सर्वं जद भूतं जच्च भाव्यं मह उतामृत तस्वे सानो जदन्नेना तिरोहति एता बानश्य महिमा तो जायाश्च पुरुख। पुरुख पुरुख शब्द का प्रयोग वेद कर रहा है, निराकार का कही नहीं रहा हूं। और वो विद्वान प्रेमी कैसे कह सकते हैं परमात्मा निराकार है, जब वो साकार का वर्णन वेद कर रहे हैं। साकार का वर्णन वेद के मानने वालों से मेरी प्रार्थना है कि वेद का अनर्थ न करें, अर्थ करें। और चारों पुरुषोक्तों के अंदर भगवान की साकार पूजा की गई है, उसके लिए गौर से देखें, मेरी नम्र निवेदन है। समाज में भ्रांतियां न फैलाई हैं, साकार पूजा का प्रमाण हर ग्रंथ हर संत ने लिखा है। तुलसीदास जी के लिए, तुलसीदास जी ने खैर लिखा ही लिखा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं वो तो समय के वो थे संतों, तो मर्जिया जो लिखते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। धन्य है उन संतों के लिए, विद्वानों के लिए, जो तुलसीदास जैसे मर्मज्ञ के लिए, तुलसीदास जैसे परम भक्त के लिए, तुलसीदास जैसे जो गरुड़ों के हिये की जान गए, काकभूषण के हिये की जान गए, उनके हृदय की जानने वाले परम संत के लिए साधारण संत कहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी विद्वत्ता नहीं है, ये मूर्खता है कि ऐसे परम संत को आरोप लगाया गया। उन्होंने साफ लिखा, आज से 22 लाख कुछ वर्ष पहले, यानी 23 लाख का अनुमान वर्ष पहले रामचंद्र जी का युग था,
इतने वर्ष हो गए, और उस भगत में तुलसीदास जी प्रमाण लिख रहे हैं कि प्रेम विवश जब भय हूं भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सीता जी जा रही है अपनी कुलदेवी का पूजन करने के लिए, वहां वो लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि प्रेम विवश जब हुए हूं भवानी, भवानी की मूर्ति, देवी की मूर्ति, कुलदेवी की मूर्ति प्रेम से आनंदित हो गई मूर्ति, और खसी माल मूरत मुस्कानी, माला उनके गले में से खिसक करके सीता जी के गले में आ गई और हंस गई। प्रार्थना कर रही है जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जवाब दे रही है हाथों हाथों कि जय जय गिरिराज किशोरी, हे गिरिराज किशोरी मैं आपकी जय कर रही हूं। यहां द्वैर्थक है, उमा जी कह रही है, देवी जी कह रही है कि जय महेश मुख चंद्र चकोरी, यानी तुम्हारा नाम 24 घंटे मेरे पति महेश जी लेते रहते हैं, राम 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 रामेति सीताराम सीताराम, ऐसा कहते हैं वो, इसलिए चंद्र चकोरी हो। तो कहने का मेरा भाव है, एक मूर्ति का प्रमाण तुलसीकृत रामायण में भी दिया और वेदों ने भी दिया, और कबीर दास जी को निर्गुण उपासक कहते हैं, पर कबीर दास जी साकार उपासना की प्रमाण उनके जो है बीजक में हजारों सैकड़ों नहीं हजारों मिलते हैं। वो कहते हैं कविरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, कविरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो ही जानिए जागर राम नाम होए। प्रभु नाम का जिस घर में जो प्रादुर्भाव है वही धनवंता है, बाकी तो निर्धन बैठे हैं सब, कि वो सब धन को छोड़ जाएंगे, लेके आ जाएंगे, कंगले जाएंगे यहां से। ये बताइए क्या साकार पूजा कबीरदास जी नहीं कह रहे, और कह रहे कबीरा कुत्ता राम का मोक्षी दास कहा है, गले मेरे जंजीर बंधी जित खेचू तित जाए। क्या साकार पूजा का प्रमाण नहीं दे रहे कबीरदास जी? जब राम जी का कुत्ता बन रहे तो निराकार का कुत्ता तो नहीं बना जा सकता, जिसका आकार ही नहीं कुत्ता कैसे बने जी बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के अंदर में साकार उपासना का प्रयोग अर्थात साकार उपासना की शिक्षा अपने शिष्य अर्जुन को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति ही। अर्जुन भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक जो मेरा भक्त मुझे तुलसी का पत्ता पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम कोई फल ऋतुफल कोई भी है, तोयम नाम जल मेरे अर्पण करते हैं, तदम भक्त प्रश्नामी वो जो भक्ति पूर्वक मेरे अर्पण करते हैं मैं उनको ग्रहण कर लेता हूं, खा लेता हूं। ग्रहण करने का मतलब ले लेता हूं, खा लेता हूं, मैं खा लेता हूं। तो मेरे प्रेमियों ये बताइए गीता में, गीता जो है वेद के सार वेदांत है और वेदांत उपनिषदों का सार गीता है, इसमें शंका नहीं है, ये सार तत्व ग्रंथ है, और सार तत्व ग्रंथ को चैलेंज करने वाला शायद कोई पैदा भी नहीं है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि पत्र पुष्प मुझे प्रेम पूर्वक दे दे मैं खा लेता हूं। तो क्या निराकार खा लेगा? साकार ही खा सकता है, और खाने का विवरण अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। हमारे राजस्थान के कवि, कवि नहीं बल अभी तो परम भक्त, साधारण नहीं परम भक्त कह रहे हैं, धन्ना जाट जी कह रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं धन्ना जाट जी से, स्वयं भगवान उनके हाड़ी बने। जिसे कल भी मैंने कहा कि हमारे राजस्थान का लोकगीत बड़ा मशहूर है, कल हमने एक लाइन सुनाई, अरे को जाने को जाने वा लीला श्याम था की अजब निराली रे, और त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे। नौकर रहे 12 साल तक, और वहां भगवान जी ने उससे कहा, जब पता लग गया धन्ना जाट जी को, अरे राम राम है तो अन्याय हो गया, मेरे भगवान जी मेरे आराध्य देव मेरे इष्ट देव मेरे नौकर बन गए, अब तो मैं नरक जाऊंगा, मैं मर गया मैं मर गया, मैंने इनको कुछ भोग नहीं लगाया, खट्टी राबड़ी खिलाता रहा। भगवान जी कह रहे हैं
कि जाट जी आप चिंता मत करो। बोले क्यों नहीं करो जी मैं चिंता? अरे भाव भगतरी राबड़ी, राबड़ी हमारे कहते हैं रबड़ी नहीं, राबड़ी कहते हैं जो मठा में दलिया बनाया जाता है और मठे से ही खाया जाता है। दलिया मठे में बनाया जाता है, छाछ में, छाछ में दलिया घोटते हैं उसको राबड़ी कहते हैं। ये बाजार गिरबड़ी मत मानना। भाव भगतरी राबड़ी मुझ मीठी लागी वीर, हे मेरे वीर, हे मेरे प्रिय भक्त, ये मुझे बहुत मीठी लगी। 12 साल तक ऐसा तो मैंने भोजन त्रिलोकी में किया ही नहीं कभी। भाव भगतरी राबड़ी मुझ मीठी लागे वीर, बिना भाव खाऊं नहीं कड़वी लागे खीर। धन्ना जी अगर तू बिना भाव के मुझे खीर खिलाता तो मुझे इतनी कड़वी लगती जो नीम के पत्ते से कड़वी, मैं उल्टी कर देता, मैं झांकता भी नहीं। भाव भक्ति, भाव मेरे प्रेमियों निराकार से नहीं बन सकता, भाव साकार से बनता है। बिन जाने नहीं होए प्रतीति, और बिना प्रतीत होए नहीं प्रीति, और बिना प्रीतिक द्रव्य के राम। एक फार्मूला पढ़िए आप कि बिना जाने प्रतीत नहीं हो सकती, प्रतीत के बिना प्रीत नहीं हो सकती, और प्रीत के भगवान के बिना भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। साकार, तो साकार उपासना हमारे वेदों ने कही, श्रीमद् भगवद गीता ने कही। खैर पुराणों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, पुराणों तो अनेक भांति से प्रभु का साकार रूप का वर्णन किया है, अनेक भांति। तो साकार पूजा के बिना मेरे प्रेमियों हमें प्राप्ति नहीं होगी। अब ये कहते हैं जी पत्थर पूजा, मैं ये कहूंगा उन प्रेमियों का हृदय पत्थर है, उनका हृदय पत्थर है, भगवान तो पत्थर के नहीं है। भगवान को तो पत्थर में भाव युक्त देखें तो कोमल हो जाते हैं। मैंने सत्य कह रहा हूं, कथा नहीं कह रहा हूं, इतिहास नहीं कह रहा हूं। एक संत को मैंने दर्शन किए और वो भगवान के परम उपासक थे। भगवान के चरणार बिंदों को पत्थर की मूर्ति थी उसको दबाते थे, तो मुझसे भी कहा कि आप भी थोड़ा दबा दीजिए। हमने दबाया तो हमारे पैरों से बहुत कोमल, हम सत्य बोल रहे हैं, ऐसे कोमल। हमने कहा जी ये क्या है, रबड़ के ठाकुर जी हैं या कोई प्लास्टिक के ठाकुर जी हैं? ये तो लगते तो पाषाणमय हैं। बोलो महाराज जी ऐसा है कि जिसका दिल हृदय हृदय पत्थर होता है जिसका स्वयं का, वो भगवान भी पत्थर बन जाते हैं, और जिसका हृदय भाव युक्त है ये भाव युक्त स्वयं साकार रूप बना लेते हैं। ऐसा संत जी ने मुझसे कहा। ये सत्संग का विषय मानो चाहे उनका वाक्य मानो, ये सत्य मुझसे कहा, स्वप्न की बात नहीं सुना रहा, साकार बात सुना रहा। तो ऐसे भगवान के साकार उपासना के प्रयोग मिलते हैं, और जब जब भगवान साकार बन के ही हमारी दुखों का हरण किया है, साफ कह रहे परित्राणाय साधु नाम बैनासाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। मैं युग युग में प्रादुर्भाव होता हूं, अवतार लेता हूं, और अवतार लेकर के ही मैं दुष्टों का संहार करता हूं, संतों की रक्षा करता हूं, धर्म के लिए दृढ़ बनाता हूं। मेरे प्रेमी निराकार तो नहीं बनाता हुआ, शायद साकार ही बना रहा है। साकार भगवान का प्रमाण अनेकानेक ग्रंथों को अवलोकन करने वाले विद्वान संभव ऐसा स्वीकार करेंगे कि परमात्मा साकार है। निराकार मेरे प्रेमियों, मैं ये नहीं कहता निराकार नहीं है, बिल्कुल है, पर निराकार है क्या? साकार से निराकार का अस्तित्व है, निराकार से साकार का अस्तित्व नहीं हो सकता, साकार का ही निराकार से अस्तित्व है। ये प्रार्थना करके मैं हाथ जोड़ करके सभा को प्रार्थना कर रहा हूं कि साकार के बिना निराकार का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अरे परछाई तो तुम्हारी जब होगी, जब तुम्हारा शरीर होगा, जब शरीर ही नहीं तो परछाई कैसे हो सकती है? जैसे पुष्प है जी पूछ गंध समाई, बाबा नानक देव जी कहते हैं कि निराकारियो हमें एक बात बता दो, मेरे पास ये फूल है, अब सुगंधी आ रही है, बोलो आ रही है, हमारे फूल को लेकर हम जा रहे हैं, हमारे फूल को लेकर जा रहे हैं, अब सुगंधी रह गई क्या तुम्हारे पास? बोलो नहीं। तो जी पूछ गंध समाई,
साकार फूल के अंदर में सुगंधि निकलती है, उसी प्रकार से साकार भगवान का जो द्वितीय रूप जो अनंत कण कण में समाया हुआ है ज्योति स्वरूप, वो निराकृति है। तो साकार का अस्तित्व है, निराकार का नहीं है। मेरे प्रेमियों, आप गाड़ी वाहन लेकर जाते हैं, अपने घर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो बहुत से धर्म ऐसे चल रहे हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, तुम ज्योति का ध्यान करो, ज्योति यहां से भ्रकुटी में से ज्योति निकालो। मेरे प्रेमियों, गुजारा नहीं होगा, बड़ा सच बोल रहा हूं, गुजारा नहीं होगा, बिल्कुल ठगा जाएंगे और मणि को दे करके कांच खरीद लेंगे, क्योंकि उस ज्योति से कुछ नहीं होता। आपके लाइट पर आप लाइट जोड़ करके गाड़ी की और लाइट पर बैठ जाइए कि मुझे चंडीगढ़ पहुंचा दो, मैं बाबा जी हूं, मुझे सत्संग देने जाना है, मैं हरियाणा में रह रहा हूं, हे लाइट देवी तू मुझे वहां पहुंचा दे चंडीगढ़, 100 साल तक नहीं पहुंचाएगी। और गाड़ी में हम बैठ करके ड्राइविंग सीट में बैठे, चाहे ड्राइवर बैठे चाहे हम बैठे, और उसके साकार गाड़ी को चलाया, तो मैं पूछता हूं क्या ज्योति वहां रह गई आश्रम पर? मेरे प्रेमियों, गाड़ी की ज्योति आश्रम पर नहीं रही, उस गाड़ी के साथ ही ज्योति मौजूद है। और जहां रास्ते में हमें हॉर्न देना है, ज्योत जगानी है, लाइट जगानी है, वहां तुरंत बटन दबाएंगे लाइट जल जाएगी। तो लाइट केवल अकेले से गुजारा नहीं है, जब तक साकार गाड़ी नहीं होगी वो लाइट का अस्तित्व कुछ है ही नहीं। लाइट से हम कहीं जा ही नहीं सकते, लाइट केवल देखने के लिए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं और बात तो नहीं हुई, कहीं गड्ढा तो नहीं आ रहा, लाइट जला लो ड्राइवर, लाइट जला ले, कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा, लाइट से देख ले। लाइट देखने के लिए है, अब लाइट को हमने जबरदस्ती जो है भगवान मान लिया, अब क्या करें? साकार भगवान से ही प्राप्ति होगी। मेरे प्रेमियों, साकार स्कूल में बच्चा पढ़ता है, साकार स्लेट बत्ती ले जाता है, साकार मैडमें रहती हैं, साकार किताबें रहती हैं, और साकार अक्षर लिखता है, और उसके बाद में आईएएस बन जाता है। आईएएस साहब के पास जाए, साहब जी हमें ये जो है फला दरख्वास्त है हमारी अमुक कार्य की, आप इस पर साइन कर दें तो बाबा जी का भला हो सकता है। आईएएस साहब जो है ध्यान योग के शिष्य हैं, निराकार के शिष्य हैं, उन्होंने ध्यान किया और साइन मार दिए हमारे, बोलो बाबा जी जाइए हमने साइन कर दिए हैं आपके। हम बड़े खुश हुए जी, हमारे साइन हो गए। उस ऑफिसर के पास गए, बोल जी आईएएस साहब के साइन हैं, कमिश्नर साहब के साइन हैं, हमें ये फला चीज दे दो। बोलो बाबा तुम पागल हो गए हो या कैसे हो? मैं कहा क्यों बाबा, हमें साइन तो कर दिया उन्होंने, हमें कसम खा गए, हम सत्य कसम भगवान ही खाते, हमने साइन कर दिए, तो इसमें तो बाबा कुछ नहीं है। हम फिर गए कमिश्नर साहब, ये तो आपने हमारे साथ फ्रॉड का कर दिए, हमें साइन तो नहीं किए, बोलो ध्यान मार्ग में साइन कर दिए हैं, निराकार साइन कर दिए, मैं सत्य बोल रहा हूं। हमने कहा बाबा हमें तो तू निराकार को छोड़ दे और साकार दर्शन कर, साकार अक्षर लिख दे और अपनी मोहर लगा दे और साइन कर दे, कि दे दी जाए चीज। उनने ऐसा कर दिया, हमें तुरंत चीज मिल गई। तो साकार से मिल गई हमें, निराकार से मिल गई। मेरे प्रेम में विचार कीजिएगा, निराकार क्या है कि उन्होंने जो विद्या इलम ग्रहण किया है, कंपटीशन में बैठे हैं, अपनी योग्यता का परिचय दिया है और विद्या ग्रहण की है, वो हृदयंगम है, वो निराकृति में है, परंतु उसको साकार करने पर ही फल मिलेगा। और नहीं गवर्नमेंट के दफ्तर से निकाल दिए जाओगे, चाहे आईएएस हो चाहे जो भी हो, अगर निराकार कागज में साइन करने लग गए तो, निराकार गवर्नमेंट का काम करने लग गए, निराकार सड़कें बनाने लग गए, निराकृति में पेड़ लगाने लग गए, निराकृति में ग्रीन चंडीगढ़ बनाने लग गए, तो मेरे प्रेमियों सस्पेंड हो जाओ और साकार काम करना शुरू कर दो, आपकी उन्नति हो जाएगी, पदोन्नत हो जाएगा, आपकी गुडविल हो जाएगी, सरकार में जय जय हो जाएगी, पब्लिक में जय जय हो जाएगी। पर साकार से हुई ना, निराकार से तो नहीं। मई जून के महीने में उल्टे लटक जाए हम, अब गर्मी पड़ रही है और बाबा सड़क पे यूं मुंह टेक के पड़ जाए, हमसे पूछे बाबा ये क्या कर रहे हो? हमने कहा ए बच्चे बोल मत हमसे। क्यों नहीं बोले बाबा, हम तो आपके ही हैं, क्यों नहीं बोले? अरे हमसे मत बोलो। अरे बाबा बोल तो रहे, बता दे। बोले हम पानी पी रहे हैं, प्यास लग रही है, गर्मी के दिन बहुत तेज प्यास मर रहे हैं, इसलिए पानी पी रहे हैं। बोलो बाबा ये मुंह में मत्था टेक रखा है आपने, तो
बालू रेत में, बोलो ध्यान मार्ग में जल को देख रहे हैं, निराकार रूप में जल को देख रहे हैं और उसको हम पी करके अपनी तृप्ति कर रहे हैं। बोलो बाबा एक घंटे में मरने वाले हो, तुम्हें कैसे बचे? बोलो नजदीक प्याऊ में जैसे तैसे वहां चले जाओ और प्याऊ पे पानी पी लो तो बच जाओगे। नहीं बाबा, हरिओम तत्सत, श्री भगवान जी का नाम सत्य है और सत्य बोले ही गत्य, ऐसा हो जाएगा महाराज, हमें ऐसा करना पड़ेगा, पानी पी लो बाबा। साकार पानी पीने से प्यास बुझ गई, निराकार से नहीं बुझ सकती। लकड़ी के अंदर आग है, माची साहब की जेब में रखी हुई है, आप ये तो कह सकते हैं कि आग है मेरे पास, पर जब नवंबर दिसंबर का महीना हो, जंगल में ठीटा रहे हो, दो चार आदमी हो, अरे सर्दी मर गए, सर्दी मर गए, वो कहते हैं घबराओ मत, मेरे पास आग है, और वो माचिस को सबके बीच में रख दे, बोले ताप लो, मेरे प्रेमियों मर जाएंगे ठिटर करके, और उन दोनों को रगड़ करके घास फूस लेकर के आग साकार जला दी तो प्राण बच जाएंगे। साकार का महत्व है, निराकार का महत्व है ही नहीं। निराकार से परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो साकार परमात्मा है, वो सगुण साकार लिखा गया है और साकार रूप में ही हमारी रक्षा करता चला आया है। बहुत से विद्वंजन प्रेमी भगवान के नाम से एलर्जी होती है उनको, कोई श्री राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण नाचते गाते बड़ी एलर्जी होती है कि बड़े पागल हो गए, श्रीमन नारायण 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 बोलते हैं तो बहुत से विद्वत प्रेमी कहते हैं कि क्या हल्ला गुल्ला कर रहे हो, ऐसा कहते हैं, निश्चित कहते हैं। पर उन विद्वान प्रेमियों को मैं नमस्कार करूंगा कि हे प्रेमियों, मैं तो जानता तो हूं कि भगवान एक पिता के कई बच्चे होते, एक जिद्दी बच्चा होता है, एक अड़ियल बच्चा होता है, जिद्दी कह दो अड़ियल कह दो, और एक क्रोधी होता है, एक दम्भी होता है, पाखंडी होता है। बलदियत तो सबकी सनौब तो वही रहेगा भाई, सनौब तो नहीं बदल सकता, पर वो ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ गए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा प्यार में बिगड़ देने का नतीजा खराब होता है निश्चित। वो अड़ियल हो गए हैं, वो अड़ियलता को हटा लें, साकार पूजा स्वीकार कर ले तो अच्छी बात रहेगी, क्यों वेद भी कहता है। बहुत से कहते हैं गायत्री वेद जननी है, मैं लाख बार स्वीकार कर रहा हूं, करोड़ बार स्वीकार कर रहा हूं, अब गायत्री देवी वेद की जननी है, और जब वेदों की जननी है तो वो हमारी भी जननी है, हम उसके बेटे पोते नाते पड़पोते सड़पोते कुछ तो होंगे ही, हमारी भी जननी है वो। और मां जब शिक्षा देती है तो शिक्षा को ग्रहण करना बच्चे का काम है या नहीं मेरे प्रेमियों? माँ तो खुश जब होगी जब बच्चा माँ की आज्ञा को बच्चा मान ले तो खुश हो जाएगी, और वरना तो नहीं होती। माँ की आज्ञा को मानना हमारा धर्म है, वेद की जननी की आज्ञा को स्वीकार करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारा नियम है। पर वो आज्ञा क्या दे रही है? ओम भूर्भुवस्वः, ओम भू, ओम जन, ओम मह, ओम तप, भूर्भुवस्व, आकाश पाताल और स्वर्ग, भू भूलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, अर्थात आकाश पाताल और स्वर्ग के अंदर में भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वैरण्यम समान भाग से पूरा हुआ, वरेण्य नाम पूरा हुआ या वर्ण करने के योग्य, वरेण्य कहते हैं वर्ण करने के लायक, स्वीकार करने के लायक, वर्ण करने के योग्य या वरेण्य नाम पूरा हुआ, तत्सवितुर्वैरण्यम समान भाग से वरेण्य नाम पूरा हुआ। अब क्या पूरा हुआ है? भर्गो देवस्यः, वो प्रकाश रूपी देवता जो तीनों लोकों में समान भाग से पूरा हुआ है, ज्योति स्वरूप है, तत्सवितुर्वैरण्यम भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे विद्वानों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस शब्द पर जोर दें, यो नः, यो धन्नु,
अर्थात नू निश्चये न यो जो किम जो वरेण्य योग्य है वो प्रकाश रूपी देवता है वो उसकी ओर गमन कर। माई तो ये आज्ञा दे रही है, क्या किसी विद्वान प्रेमी ने इस आज्ञा को स्वीकार किया है? अक वेद माता क्या कह रही है, हमसे कभी विचार किया है इसका? अक योनः प्रचोदयात, उसकी ओर तू गमन कर, ऐसी आज्ञा है माँ की। और या यो शब्द का कोई अर्थ हमें दूसरा कर दे, हम अपना कान बंद कर रहे, यानी स्वीकार कर लेंगे। योनः प्रचोदयात, इस गीता गायत्री देवी, उस महामाई जननी गायत्री देवी, मेरी भी माँ, परदादी, दादी, नान, जो कुछ है मेरी सब कुछ है वो गायत्री देवी, पर उसकी आज्ञा मानना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और वो आज्ञा हम जीव को दे रही है कि भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वैरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। अपनी ओर नहीं कहा, मम ओर प्रचोदयात नहीं कहा, मेरी ओर गमन कर ऐसा नहीं कहा, यो नः प्रचोदयात उसकी ओर गमन कर ऐसा कहा। यो नाम कोई और है? कब कहा उसने तू मुझे मान, कब कहा कि तू मेरी पूजा कर, कब कहा कि तुम्हें तुझे मोक्ष दे दूंगी? नहीं कहा। उन्होंने कहा यो नः प्रचोदयात उसकी ओर गमन कर जो प्रकाश रूपी देवता है, जो अण अण कण कण जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जो तुम्हारे अंदर मेरे अंदर खड़ग खम्भ के अंदर में पूरा हुआ है, वो पूर रहा जगदीश, वो जगदीश्वर, जगत का ईश, जगत का मालिक, वो गोविंद, गौ नाम इंद्रिया, गौ नाम पृथ्वी, तस्य विंदः पतिः गोविंदः, गोपाल गौम पालयति दिशे गोपाल है, गौधन का पालन करने वाला, गौ नाम पृथ्वी की रक्षा करने वाला, पृथ्वी को पालने वाला, वो गोपाल, वो गोविंद, वो कृष्ण है, क्रिया आकर्षयति दिशे कृष्ण है, जो जीव को अपनी ओर खींचता है। तू मेरे अंदर मिल जा, मेरे अंदर आ जा, मैं तेरा हूं, ऐसा आवाज देता है, मैं तेरा हूं, मैं तड़प रहा हूं, तू मुझसे मिल ले। क्री आकर्षयति दिशे कृष्ण, जो जीव के लिए अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है कि मैं भुजा पसारे खड़ा हूँ, भाई मेरे अंदर मिल जा करके, तो मैं तुझसे मिल करके बड़ा खुश हो जाऊँगा, क्यों मैं दुख पा रहा हूँ, मैंने तुझे मेरा रूप दिया है, मेरा गुण दिया है, कर्म करने की ताकत दी है, सब कुछ तुझे दिया है, विवेक दिया है, अरे बेवकूफ, तू मानव योनि को खराब करके, विवेक को खो करके मुझ में क्यों नहीं मिलना चाह रहा है? रो रहे हैं भगवान, करुण क्रंदन कर रहे हैं, बड़े स्नेह से कह रहे हैं कि भावोर विद्यते देवा, हे मैं तो भाव में रहता हूँ मेरे भगत, मेरे तू भाव से बदले, तू मध्य तेरा धन दौलत, तेरा मध्य माल खजाना, मध्य तू 56 प्रकार का भोजन मुझे भाव दे दे। भावोर विद्यते देवा, मैं भावना में ही रहता हूँ, मैं श्रद्धा भाव में ही मिलता हूँ, मैं वहीं पर रहता हूँ, कहीं नहीं जाता, ऐसा कहते हैं भगवान। नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी ने कहा कि आपका एड्रेस दे दीजिए परमात्मा जी, कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है बाबा जी, कभी लोक कल्याण की आवश्यकता हो जाए तो एड्रेस रहेगा, टेलीफोन नंबर रहेगा, तो कुछ कुछ हम बात कर लेंगे। बोलो मेरा एड्रेस तो ले ले, दे देते। ना हम बसामि बैकुंठे, तू बैकुंठ में भागता फिरना, मैं नहीं रहता हूं वहां पर। अरे बाबा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, पर तो इसी भ्रम में था आज तक, तू वहीं मिलेगा? बोलो नहीं। ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदये न चह, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलूंगा नारद, तू तेरा आना जाना बेकार हो जाएगा, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई, कहाँ मिलेंगे? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां अवश्य मिलूंगा, ये मेरा एड्रेस है, कभी गलत नहीं हो सकता कि मेरे भक्त लोग जहां मेरा गुणानुवाद करेंगे, मेरा कीर्तन करेंगे, मैं वहां पर अवश्य रहता हूं, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। इससे ज्यादा क्या कहेंगे जी वो, पर जिद्दी बच्चे शायद जिद में रह जाते हैं। आवाज कैसे हो रही है? टाइम हो गया 9:30 हो गए, तो कोई बात नहीं, मैं और प्रार्थना कर लूंगा। कल मैंने कह दी गंगा पाना मत छोड़ना। अबे तो मेरे प्रेमियों में ये भाव में बहकर नहीं कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं कि भगवान मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद जी मैं वहां मिलूंगा जहां मेरे भक्त लोग गायन करते हैं, मेरे भक्त लोग मेरा गुणानुवाद कर रहे हैं, भक्त लोग मेरी स्मरण कर रहे हैं, भक्त लोग मेरा मार्ग के लिए बैठे हुए हैं,
हम अवश्य मिलूंगा। देखो जो निराकार तो नहीं कहा, मदभक्ता, मेरे भक्त लोग मेरा गायन करेंगे, गायन साकार का ही हो सकता है, भक्ति साकार की हो सकती, निराकार की हो ही नहीं सकती, कोई उपाय नहीं है। बाबा नानक देव जी निराकार निराकार उपासना करते रहे, पर कह दिया उन्होंने ठाकुर तब शरणाई आयो, हे मेरे ठाकुर जी अब तेरी मैं शरणागत हो गया हूं, उतर गया मेरे मन का संसार जब से दर्शन पायो, निराकार में घूम गया मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ देखा ही नहीं आग के अलावा ज्योत के अलावा कुछ नहीं देखा, और साकार मांगा तेरा दर्शन पायो, अनबोलत मेरी व्यर्था जानी, मैं यूं आंख बंद करके बिना बोले बैठा रहा। वो आपने जिन्हें मेरे गुरु के रूप में आकर कह दिया कि नानक तेरा बेकार समय निकल गया, तेरा समय खराब कर लिया तेने, अनबोलत मेरी व्यर्था जानी, फिर क्या किया अपनो ही नाम जपायो, कहूं नानक गुरु बंधन काटे बिछुरत आन मिलायो, मैं तो बिछुड़ गया था मोक्ष मार्ग का, क्या नरकगामी होने को जा रहा था, पर गुरु महाराज की वाह वाह, वाहे गुरु तेरी जय जयकार हो, मेरे गुरु महाराज तेने मुझे बिछुड़ने से मिला दिया, परमात्मा का दीदार करा दिया, अर्थात नाम और नामी का मेल करा दिया। क्या यह साकार उपासना नहीं रही, क्या निराकार उपासना है? कबीर दास जी का मैंने कहा सहजो कर्माबाई, कर्माबाई सहजो तो संपूर्ण साकार थी, मेरा भी संपूर्ण साकार थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जो आखिरी घड़ी आने लगी, जो कहने लगी पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की दासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, अद्वैत के गुरु शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य जी आखिरी के प्राणांत समय पे कह रहे हैं कि मेरे शिष्यों मेरी बात को सुनो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी रिजठ रे शयनम शयनम क्रीड़ा रुचि दिव्यर्थम धातुर गणतम कर्मक माहु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी आदि गुरु लिख रहे हैं स्वयं कि हे मेरे शिष्यों, तुम भगवान श्री गोविंद का भजन करना वरना उद्धार नहीं होगा। उन्होंने राधाष्टक लिखा है, राधा गोविंद अष्टक, नरसिंह लक्ष्मी स्तोत्र लिखा है, श्री लक्ष्मी नरसिंहम भवतु मे, आदि गुरु शंकराचार्य जी का। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़ते हो तो क्षमा प्रार्थना जो लिखी हुई है उसमें जगत गुरु आदि विरचित जगत गुरु शंकराचार्य लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा मत समय पात की नास्ती पाप अग्नि त्वत समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। ये शंकर तो पागल होकर सोहम कह दिया, क्योंकि ऐसा हुआ गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, मई जून का महीना था, और वो भगवत कृपा हुई, माई की कृपा हुई, उनको ल्यूज मोशन हो गए, हैजा हो गया, उल्टियां हो गई, अब वो 10 कदम नहीं चल पाए गंगा 20 कदम, और शंकराचार्य जी 10 कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहां एक बुढ़िया लकड़ी टेकती टेकती आ गई, अरे बाबा तुम कौन हो, नहीं निकल रहा है जवान से, अरे बाबा तुम शंकर तो नहीं हो, शंकर वो जगत गुरु शंकराचार्य तो नहीं हो, सोहम तो नहीं हो। कहा हां, बोला नहीं जा रहा, हां गला सूख रहा है। माई ने कहा ये 10 कदम है गंगा स्नान कर ले जाकर, नहीं वो नहीं जा सकता। माँ ने कृपा करी, उसका जो है पुनर्जीवन दान हो गया, अर्थात जल पिला दिया अपने कमंडल में से, ले ले। उन्हें देखा जगत जननी है तो वहां प्रार्थना कर रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी कि हे माँ कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ ये शंकर तो कुपुत्र हो गया, और कुपुत्र होकर सुहंग सुहंग पुकारने लग गया, ब्रह्मोस में कहने लग गया, क्योंकि वेदांत में मैंने ऐसा पढ़ा पर वेदांत को सही अध्ययन नहीं किया कि जीव स्वयं सोहस में नहीं हो सकता, इस जीव के अंदर सोहंग है, वो परमात्मा है, समझ नहीं पाए। मैंने सोहंग का प्रचार कर दिया, आपकी आज्ञा से किया मां मैंने, क्योंकि इस भगत में इतना विधर्म हो गया
छपाली धर्म हो गया, पंचमकार धर्म हो गया, मांस मदरा महिला मंत्र और मैथुन धर्म चल गया, मछली और अनेकानेक धर्म चल गए। इसलिए आपने तो कहा मुझसे माई, और मैं शिव का स्वरूप ही तो आपने द्वितीय रूप बनाकर भेजा है कि तुम धर्म का खंडन मंडन हो रहा है, जाकर प्राण रक्षा करो बचाओ, मैं गैर तो नहीं हूं। आप जी के कहने से मैंने ये कहा सुहंग कि लोग जो है उस धर्म में चले गए थे, क्षपाली धर्म में, पंच मकार धर्म में चले गए, तो मैंने ये कहा कि वहां मत जाओ, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है, बैठ जाओ। मैंने जनता को रोका तो बोलो रोका तो अब लिख, अक्षाकार पूजा करना मेरे शिष्यों। आज सन्यासी लोग सोहंग वाले आपस में मिलते हैं, कहते हैं नमो नारायण, क्या नारायण उनके बाप का है? वो कहते तो पब्लिक में सोहंग मंत्र करते हैं, कहते हैं नमो नारायण, क्या नारायण उनके बाप का आ रहा है? क्या फ्री में बिठ रहा है नारायण? नारायण तो वही कहेगा जो नारायण का भक्त होगा, जो नारायण का उपासक होगा। बंटवारा कैसे कर सकते? अर्थात मेरा कहने का भाव है वो भी नमो नारायण ही कहते हैं, वो भी साकार उपासना का लिख रहे हैं कि कुपुत्रो जाए ते कुछ दबी कुमाता न भवती, मत समय पात की नास्ती पापग्नि तत् समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ये शंकर तो नालायक हो चुका, अर्थात गड़बड़ कर चुका, मत समय पात की नास्ती पापी बन चुका, और पापग्नि तत् समान ही, तेरे समान मैंने पापों का उद्धार करने वाली नहीं देखा, और मेरे समान कोई पापी नहीं, जोड़ा मिल गया बहुत सुंदर, कि तेरे समान पापों को नष्ट करने वाली नहीं सुना और बुद्ध जैसा पापी नहीं मिला। अब ये जोड़ा मिल गया, अगर तू एक नाम अपनी नामावली में बढ़ाना चाहती है पापग्नि, तो मेरे पापों को क्षमा कर दे। मोक्ष तो मैं नहीं कह सकता, मेरा मुंह है नहीं कहने लायक, यथा योग्यम तथा कुरु, जैसे तेरी मर्जी ऐसा कर ले, पर मैं ये कहूंगा कि मेरे पापों को नष्ट नहीं करेगा तेरा नाम, शब्द को से एक काट दूंगा, अभी तो जिंदा हूं मैं, पापग्नि शब्द को काट दूंगा। उन्हें कार्य नाम भाम तो मत काटे, परंतु तू साकार को लिख दे। बोलो अब तू मुझसे लिखवा ले, साइन करवा ले, जो चाहे जो मैं लिख दे रहा हूं, साकार पूजा करना, साकार मानना, देवी साकार, राधा कृष्ण साकार, दामोदरष्टक लिखा है उन्होंने गोविंद कुंड पर बैठ करके, मां प्रमाण जगत गुरु शंकराचार्य का जहां लिखा है वृंदावन में, और ज्योतिर्मठ में लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र लिखा है उन्होंने, ज्योतिर्मठ में जगत गुरु शंकराचार्य ने, जगह का नाम बता रहा हूं, फला फला जगह लिखे, प्रमाण लिखे हुए हैं उनके अंदर में, साकार पूजा उन्होंने की लक्ष्मी नरसिंह की, साकार पूजा की राधा कृष्ण की, साकार पूजा की उन्होंने लक्ष्मी नारायण की। अपनी मां की जब मोक्ष नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने नारायण को स्मरण किया और नारायण के द्वारा ही मां को मोक्ष करवाई।